नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज कुछ बाईपटाई सेटलमेंट के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 वर्ष तक हम लोगों ने कठोर तपस्या जैसी की है, तब हमें ये बाईपटाई सेटलमेंट मिला। उसमें यूनियन का जो रोल था वो सबसे घटिया रहा, यानी इसको डिले कराने में यूनियन का ही हाथ था कि जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही ज्यादा हमारे को लेवी मिलेगी। तो दोस्तों, नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान तो हमारा ही हुआ, यानी 3 वर्ष तक जो पैसा हम यूज करते उसको सरकार ने यूज किया। अब यूनियन वाले ने हमारे से स्ट्राइक कराई तो तनख्वाह भी हमारी कटी। ये लीडर सारे के सारे सभी रिटायर्ड लीडर हैं, स्ट्राइक करने से इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इनको कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, सब कुछ तो हमें ही होता है। अब आप देखिए, 3 वर्ष के बाद मिलने के बाद आज AIVEA का श्री वेंकटाचलम जी का एक लेटर मेरे को मिला, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई है कि भाई इनकम टैक्स कट जाने के बाद, पूरी कैलकुलेशन के बाद, इनकम टैक्स भी कट जाने के बाद जो बचेगा उसका 4% हमें दो। अब आप बताइए, इनको 4% किस बात का दें भाई? तनख्वाह हमने कटाई, ब्याज से हम मुक्त रहे, यानी के अगर 3 वर्ष का हमें जो पैसा मिलना था उसका अगर हमें ये ब्याज दिलाते तो हम 4% की बजाय हम तो 5% दे देते, हमें क्या दिक्कत है? अब दिक्कत तो ये है कि 4% ले भी इनको उसमें से दो जो हमारा जो बचेगा। अब आप बताइए, 4% ले भी इनको क्यों दें भाई? आपने हमारा क्या फायदा किया बताइए? हमारा तो 3 वर्ष का नुकसान कर दिया आपने, 3 साल का जो ब्याज मिलना था वो आपने हमारा नुकसान कर दिया। तो अब आपको 4% ले भी किस लिए दी जाए बताइए ना? हमारे आप रहनुमा बनते हैं, आपने जानबूझकर इसको डिले किया और 4% ले भी मांग रहे हैं। उसका पूरा का पूरा डाटा बना कर दिया AIVEA ने कि 4% में से 4,000 रुपए, मान लीजिए किसी को 1,00,000 रुपए मिलते हैं तो उसका 4% 4,000 रुपए हो गया। स्टेट फेडरेशन इतने, उतना इतने, सेंटर कमेटी इतने, फलाना इतने, ढिकाना, अरे तुमने अपना हिसाब तो लगा दिया। हमारा हिसाब भी पूछा कभी, हमारे दिल से भी पूछा कि हमने ये 3 वर्ष कैसे काटे, किस तरीके से हमने कष्ट उठाए। सारे के सारे रिटायर्ड लीडर जिनको हम आज जो काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनको, क्योंकि ये अगर काम कर रहे होते तो आज इनको पता चलता कि हम आज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। स्टाफ नहीं है, इतना काम का प्रेशर है, इतने प्रेशर में हम ये सब काम करते हैं, और आज इन्होंने ये सेटलमेंट एक हुआ उसका 4% ले भी खुद मांग लिया। क्यों भाई? जो हम हर महीने चंदा देते हैं उसका आप क्या करते हैं? वो कम है क्या? कोई यूनियन 200 रुपए ले रही है, कोई 150 रुपए ले रही है, कोई 210 रुपए ले रही है, अरे उस पैसे का क्या करते हो भाई? वो कहां जाता है? वो हम इसीलिए तो देते हैं कि आप जाओ और वहां बातचीत करो और उसका करो। 4% ले भी किस बात की अब बताओ? सोचो दोस्तों, ये हमारी पीठ पर कुठारा घात है, हम इन यूनियन वालों को इतना सिर पर चढ़ा लिए हैं कि इन्होंने सोचना समझना छोड़ करके हमें पीसना शुरू कर दिया है। अब बताइए, इनको 4% ले भी दो, 3 वर्ष से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिले, तो
तो हम किसी का, किसी ने कर्ज ले रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने पेंडेमिक में अपना किस तरीके से अपना चलाया है, किसी का घर वाला चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया पेंडेमिक में, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। इन्होंने होटल में जाके, फाइव स्टार होटल में जाके बातचीत करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, है? वो पैसा किसका? हमारा ही तो है ना। फिर इनको किस बात के लिए लेवी दी जाए भाई? क्यों दें? आज हमें जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों। अगर हम आज भी जागरूक नहीं हुए तो ये यूनियन वाले हम पे इसी तरह राज करते रहेंगे और हम लोग पिसते ही रहेंगे। हमारा पैसा इतने इंतजार के बाद मिला, अरे तुम हमें ब्याज दिलासे ना 3 साल की, तुमने 3 वर्ष जानबूझ के डिले किया कि जितना ज्यादा डिले होगा उतना ज्यादा ही हमारी लेवी बनेगी। क्यों भाई, कभी हमारे दिल से पूछा तुमने? नहीं ना, पूछ के देखते ना कि हमें भी दर्द होता है 3 वर्ष तक है। अब ये सेटलमेंट आएगा, 3 साल हो गए, 5 साल का सेटलमेंट है, 4 साल वाला सेटलमेंट 5 साल का कर दिया, अब 5 साल वाला भी साला 8 साल में हो रहा है, अब अगला कब होगा कोई पता नहीं। तो तुम तो अपना खा पी के ऐश कर रहे हो भाई, तुम रिटायर हो गए, तुम छोड़ते क्यों नहीं है यूनियन को, क्यों पकड़ के बैठे हो, क्या मतलब है, है? अपने घर बैठो। रही बात यूनियन की या अपने काम की, हम अपने आप संभाल लेंगे अपना काम, तुम्हें क्या मतलब है भाई। दोस्तों आज हमें सोचने की जरूरत है, सोचो इस बारे में। देखो वी बैंकर्स एक नई यूनियन बनी है, उसने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, फाइट किया, सब कुछ किया, किसी से 2 पैसे चंदा नहीं मांगे, केस भी लड़ा उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लड़ा 2 हाई कोर्ट में केस किया, मगर उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। और इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है भाई, इन्होंने क्या किया, ये किस बात की लेवी मांग रहे हो भाई? नुकसान हमारा कर दिया, ऊपर से लेवी मांग रहे हो भाई, क्या मतलब है, है? तो दोस्तों अब इस बारे में सोचो और कुछ फैसला करो। आप सभी इकट्ठे हो गए तो ये यूनियन वाले हमारे ही बूते तो हैं, हमारा ही पैसे पे ऐश करते हैं, जब हम ही खड़े हो जाएंगे तो फिर ये इनका क्या औकात है जो कुछ बोले हैं? तो भाई आज सोचने की जरूरत है। बाकी आप समझदार हैं, जैसी आप लोग समझो, मेरा काम था बताना, मैंने बताया है। बाकी आप अगर आपको ये अच्छा लगता है और मेरी बात अच्छी लगी तो मेरा साथ दो, अगर नहीं लगी तो भाई कोई बात नहीं है, आप इनके पिटलग्गू बने रहो, ये इसी तरह हमें पीसते रहेंगे, बस और कुछ नहीं होना। तो दोस्तों ये इसी बारे में मेरा तीसरा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए और शेयर जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।